हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। क्लास टेंथ के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर मुझसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट करके ये हमेशा पूछते हैं कि सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट के बारे में बताइए। और आज हम लोग इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये भी मैं बताऊँगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10 का सिलेबस जान लेते हैं। क्लास 10 में 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है और 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 80 मार्क्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में साइंस के 16 चैप्टर्स हैं और ये 5 यूनिट्स कुछ ऐसे डिवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा भी CBSE ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी कुछ सिलेबस सेट किया है जिसमें लगभग 15 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो जब मैं पुराने पेपर्स को एनालाइज कर रहा था तो देखा कि प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस थ्योरी पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में जो जो केमिकल रिएक्शंस और फॉर्मूले पढ़ते हैं उनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सभी कुछ NCERT बुक्स में मिल जाता है और इसी वजह से प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम का सिलेबस कुछ अलग नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं और चैप्टर्स में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो NCERT बुक का सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का मार्क्स का वेटेज 5 मार्क्स का हो सकता है जिसमें एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑफ प्रैक्टिकल स्किल से हो सकता है और 4 अदर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट की बातें करते हैं तो इस चैप्टर में 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शन से जुड़े एग्जाम्पल NCERT बुक्स में मिल जाएगा। ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस रिएक्शन की तैयारी अच्छे से जरूर करना। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और लास्टली करोजन और रैंसिडिटी के चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो ये सारे चैप्टर्स क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो बताए गए हैं वो लास्ट 5 ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के बाद ही बताए जा रहे हैं। अब सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें इस बार 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसिड बेसिस की डेफिनेशन यूजेस और प्रॉपर्टीज जरूर कर लीजिएगा। सेकंड कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल इंडिकेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड रिएक्शंस और यूजेस भी कर लेनी चाहिए। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सभी चीज़ आप लोग जरूर करें। थर्ड चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। इस चैप्टर से इस बार 5-7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड जैसे कि MgCl2 NaCl इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड बेसिक टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी जैसे कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग को जरूर याद कर लें। एक्टिविटी सीरीज इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर को भी जरूर से जरूर करें और इस चैप्टर में जो आपको फोकस करना है वो कैटिनेशन टेट्रावेलेंसी इथेनॉल
एंड इथेनॉइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। फिफ्थ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे भी आपके 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से एवरी ईयर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए। आप लोग इस चैप्टर में वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को रीजंस के साथ जरूर पढ़ लीजिएगा। सिक्स है लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आ सकते हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ लीव, न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर से भी 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन एंड ह्यूमन ब्रेन। चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से भी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसे आप खुद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर से भी 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। चैप्टर 10 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो इस बार आ सकता है वो है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिसेंट न्यूमेरिकल्स जो इम्पॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ अ लेंस से न्यूमेरिकल आ सकता है। सो यू मस्ट लर्न द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, और इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म और डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये सभी चीज़ आपको NCERT बुक में इसके न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स सभी कुछ मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इस चैप्टर से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स की फंक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो यू मस्ट डू इट, और बाकी से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बायोगैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरमेंट, इस चैप्टर से भी 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में आपके लिए ओजन डिप्लीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही आप सभी टॉपिक्स को जरूर कवर कर लें। 16th मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर से 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर से भी बिग डैम्स और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि साइंस सब्जेक्ट के ऐसे कौन कौन से डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स हैं जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अच्छे से जरूर कर लें। सो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।